कुछ पल हैं साथ गुजार लो, देखो ये साल भी पलक झपके चला जा रहा है। जिंदगी भी कितनी कमाल है ना, ये साल भी निकल गया और पता भी नहीं चला। यकीनन कुछ लोगों के रेजोल्यूशंस भी यूं ही रह गए होंगे। चलिए ये तो अलग ही मुद्दा है, दूसरों का क्या कहें, हमारे खुद के रेजोल्यूशंस धरे के धरे रह गए। देखिए उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है और बॉलीवुड के लिए भी साल 2022 काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस भरा रहा। इस साल हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हिट से ज़्यादा बॉयकॉट शब्द का नाम सुना, लेकिन उस बीच भी कई सारी धमाकेदार फिल्में इस साल आईं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही फिल्में जिनका इस साल बोलबाला रहा और आप भी देखिएगा अगर नहीं देखी हैं, क्योंकि ये फिल्में इस साल की यादगार फिल्में हैं। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट, मेरा नाम है लवी चौधरी और शुरू करते हैं अजय देवगन श्रेया सरन की फिल्म दृश्यम 2 से। 2 अक्टूबर का सच जानते जानते कब आप खुद इस सच झूठ की रेस में शामिल हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये सब फिल्म के कमाल एक्टर्स जैसे इशिता दत्ता, अक्षय खन्ना, तब्बू और बाकी के सभी एक्टर्स के साथ डायरेक्टर अभिषेक पाठक का कमाल रहा कि आखिर तक फिल्म ने लोगों को बांधे रखा। अब चोर पुलिस की बातें हों और KGF चैप्टर 2 का जिक्र ना हो तो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। तो चलिए KGF चैप्टर 2 भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिएगा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल कमाल किया। यश स्टारर और प्रशांत नील डायरेक्टेड ये फिल्म एक्शन के साथ भी आपको पूरा इमोशनल कर देगी। अब 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने एक अच्छी कोशिश की है, तो जरूर देखिएगा। इस फिल्म के बाद वैसे भी कार्तिक को सुपरस्टार का दर्जा मिला। अब सुपरस्टार की बात हो रही है तो भाई रामचरण और जूनियर NTR स्टार फिल्म RRR भी जरूर देखिएगा। इस फिल्म की तो क्या ही तारीफ करें, ऑस्कर्स में पहुंचकर खुद इस फिल्म ने दिखा दिया कि इस फिल्म में कितना दम है। SS राजामौली डायरेक्टेड 24 मार्च 2022 को रिलीज हुई ये फिल्म कमाल है, एकदम कमाल। के से कमाल और के से कांतारा, ऋषभ शेट्टी स्टारर डायरेक्टेड और रिटर्न फिल्म कांतारा इज रियली वर्थ वॉचिंग। 2022 के भूत सपने में आकर डराएंगे अगर आपने कांतारा नहीं देखी तो। हिंदी ऑडियंस के लिए नेटफ्लिक्स पर हिंदी वर्जन भी फिल्म का आ चुका है, तो आप जरूर देखिएगा। वेल इसी के साथ साल के शुरू में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी इस साल 2022 की हिट फिल्म्स में से एक है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म से इंडस्ट्री में काफ़ी बवाल हुआ, लेकिन फिर भी फिल्म 2022 की कुछ ऐसी फिल्मों में है जिसे कोई नहीं भूलेगा। आगे बात करते हैं फिल्म डार्लिंग्स की, तो डार्लिंग आलिया भट्ट, विजय वर्मा और शेफाली शाह जैसे एक्टर्स से सजी फिल्म डार्लिंग्स आपको कमाल की हिम्मत देगी। जिंदगी जीने का नजरिया बदलेगी और एक गजब का कॉन्फिडेंस भी गिफ्ट में मिलेगा। इसके बाद मल्टी स्टार फिल्म जैसे बिग बी, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, मौनी रॉय और नागार्जुन से सजी ब्रह्मास्त्र चैप्टर 1 ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। तो 2022 की बिग बजट फिल्म्स और अमीरों वाली वाइब्स के लिए कमाल VFX से सजी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र भी ज़रूर देखिएगा। अयान मुखर्जी डायरेक्टेड फिल्म एक बहुत गजब का एक्सपीरियंस देगी। वेल इसके बाद कुछ नया एक्सपीरियंस देखना है तो आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत की एन एक्शन हीरो भी काफ़ी मनोरंजक है, इसे भी आप ज़रूर देख सकते हैं। साथ में गंगूबाई काठियावाड़ी को कोई कैसे भूल सकता है। आलिया भट्ट के लिए तो वैसे भी 2022 काफ़ी कमाल रहा। अच्छा नए एक्सपीरियंस की बात चल ही रही है तो भाई भेड़िया भी वर्थ वॉचिंग है। वरुण धवन, कृति सेनन की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग है, तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये फिल्म भी ज़रूर देख सकते हैं। वेल इसके बाद OTT पर मोनिका ओ माई डार्लिंग में राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे आपका दिल जीत लेंगे। और इसी के साथ OTT पर दूसरी फिल्म म्यूजिकल ड्रामा कला आपको सबसे अलग फीलिंग देगी, मतलब बिल्कुल शांति टाइप्स, और कमाल का म्यूजिक आपकी जुबा पर ना चढ़े तो देखना। तो फिलहाल ये थी 2022 की कुछ ऐसी फिल्में जिनको हर कोई याद रखेगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी फिल्में आपने देख ली हैं और कौन कौन सी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने वाले हैं। इसी के साथ TV और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा।